सो गाइस अभी मैं आप देख सकते हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ पुणे सिटी में और मैं आज जा रहा हूँ जीस के दुकान में जो कि नाइट ड्राइविंग के लिए बहुत ही सेफ होता है। एक इससे भी एडवांस आया हुआ है तो मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि मैं भी एक अपग्रेड करता हूं और एक मल्टीफंक्शन लेता हूं जिसमें कि सनग्लासेस का भी काम हो जाए और अपना ये दिन का भी प्रोटेक्शन या फिर नाइट ड्राइविंग का भी प्रोटेक्शन हो जाए। किया कि एक न्यू लेंस आया है जो कि अगेन जीस कंपनी का है जिसका लेंस मोबाइल में इस्तेमाल होता है, अच्छे बड़े बड़े मोबाइल में महंगे वाले कैमरा फोन में सिनेमेटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। उस लेंस का नाम है गाइस स्मार्ट लाइफ ट्रांसपेरेंट लेंस। तो स्मार्ट लाइफ लेंस तो मैं ऑलरेडी लगाता हूँ, मैं ये वाला लगाता हूँ, ये आपको पता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने दो बार बना के डाला है, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी डाला है तो वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अभी मैं ट्रांसपेरेंट वाला देखने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कितना ट्रांसपेरेंट है। अभी जैसा ये जो मिरर आप देख पा रहे हैं ये ब्लू है, राइट, ये हल्का सा ब्लू टिंट का है, ये आपको चमक आ रहा है। लेकिन एक दूसरे बंदे लगाया हुआ था उसका मैंने जस्ट एक सैंपल मंगवा करके देखा और उसके बाद उसमें देखा, देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें शीशा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि आंख में चश्मा है ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ खाली फ्रेम लगाया हुआ है। तो गाइस आइए चलते हैं उस दुकान की ओर। आ गए भाई जी, सो गाइस फाइनली आ गए हम लोग जीस विजन सेंटर। सो गाइस कर दिया है गाड़ी पार्क, अब लगाते हैं दरवाजा, यही अपना स्टाइलिश और ये आ गए अपन। वाओ, सो लुक एट दिस, पार्किंग इज फाइन, पार्किंग लग जाएगी, सही से लगी। वाओ, ऑसम ऑसम सर जी, हाउ आर यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सर। सो गाइस ये बता रहे हैं अभी अभी न्यू मशीन आई है एंड ये कॉन्टैक्टलेस आई चेकअप होता है, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अपन फ्रेम भी देखेंगे सर आज, है ना, कोई फ्रेम भी देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड दिख रहे हैं। आपके पास जो फ्रेम है वो मैक्सिमम कितने का है? मैक्सिमम 1 लाख। 1 लाख देख लीजिए गाइस, 1 लाख है फ्रेम, देखिए क्या एक बार देखें जगह। ये वाले मशीन इंडिया में, मतलब यहाँ पे पुणे में एटलीस्ट कहीं पे भी नहीं है? नहीं, ये पुणे में पे है। ओह माय गॉड, तो ऐसा क्या खास है इस मशीन? ये जो आई प्रोफाइलर है ना सर, हाँ, ये सिर्फ आई टेस्टिंग नहीं करता है, ओके, आंख स्कैन करता है। अच्छा, नर्व्स वगैरह भी सारे? हाँ, अंदर कुछ गड़बड़ होगी ना, हाँ हाँ, हमें बोलता है कि स्टॉप मेकिंग ग्लासेस, ओ डोंट मेक ग्लासेस, सेंड देम टू द आई स्पेशलिस्ट। बिल्कुल नहीं पता चल पा, लेंस नहीं दिखेगी, नहीं दिख रहा है। हाँ, ये लेंस लगेगी, हाँ ये लग रहा है, हाँ राइट अपडेटेड वाली, लेफ्ट वाले बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, राइट वाली मेरे 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 साइड से। ओह माय गॉड, आप ये देखिए गाइस, लेफ्ट आईज पे इन्होंने जो लगाया हुआ ना, दिस इज ट्रांसपेरेंट और राइट साइड पे थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, वर्थ इट, ये बिल्कुल नहीं पता चल, मतलब अगर फुल फ्रेम में इसको लगाए तो ऐसा लगेगा कि चश्मा टूट गया है, आप लगाओ तो चश्मा ही नहीं लगेगा, चश्मा टूट गया है सर, ऐसे लगेगा। कंप्यूटर भी लगा है, चाहे इनसाइड कंप्यूटर है पूरा का, दोनों आंखें खुली रखो, मशीन के अंदर देखो, ओह अभी हिलना नहीं मैडम, देखते रहो सिर्फ उसे, ये रोबोटिक है, मैं कुछ नहीं कर रहा उसका, पूरा रोबोटिक है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग स्कैन हो गया, ये सब ये पीछे का पर्दा है, ये रेटिना है, स्कैन हो रहा है। जबरदस्त, इस मशीन का क्या कॉस्टिंग वगैरह रहता है? ये पूरा ये रूम 50 लाख रुपीस, 50 लाख पूरा रूम। ओह माय गॉड, मैडम पीछे जाइए अभी, इसमें जो भी पावर आ गई ना सर, हाँ हाँ, ये ऑटोमेटिकली इसमें जाएगी अभी, ऑटोमेटिकली, ओके अच्छा, ये जो मशीन है, हाँ हाँ, इसमें ऑटोमेटिकली गई है। और ये टैबलेट से कनेक्टेड है? हाँ, सब टैबलेट से कनेक्टेड,
ये देखो ये जो उनके गाय का नाम आया है कुमारी सुजाता, ये आई प्रोफाइलर जो भी उसका मटेरियल आया है ना सब यहाँ पे आईपैड में भी मटेरियल आया, ओके ये सब कुछ आईपैड में मटेरियल आके बैठ गया है। अभी हम जाएंगे उनके टेस्ट, कोई भी चीज मैनुअल नहीं, तो मतलब मिस्टेक होने का चांसेस है नहीं, नो ह्यूमन बीइंग एरर है ना, नो ह्यूमन बीइंग एरर। आपको चिल रेस्ट करना है सवाल, आप सिर्फ राइट आई खुली है सर, स्क्रीन के ऊपर देखते रहो, ये बेटर है, ये बेटर है, बेटर है। ओके अभी एक ऑप्शन दूंगा, आखिरी ऑप्शन सर, ये एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन ये ग्रीन या रेड या दोनों इक्वल है, मुझे ग्रीन का ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है, एंड रेड का थोड़ा सा डल है बट क्लियर है, ओके चलो दोनों लगभग इक्वल है। बहुत 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 औसम, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस लगा मुझे। सो गाइस मुझे ये फ्रेम पसंद आया है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट दिस इज़ अरमानी। सो गाइस ब्रांडेड आज लगता है कि अब लगा ही लेंगे, तो दिस इज समथिंग ना 14,000 लगाई, 14,500 का सेव फ्रेम और उसके ऊपर ग्लास अलग से। बट इसमें अच्छी बात ये है ना कि इसमें तीन चीज़ें हैं, इसके साथ यू नो मैग्नेटिक क्लिप्स हैं और पीछे नोज पैड वगैरह नहीं है। इसमें अगर दिखाएंगे तो दो सनग्लासेस मिलते हैं साथ में, तो बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा स्क्रैच आने के चांसेस कम होंगे, सो दैट इज़ फॉर श्योर। ये देखिए एक ग्रे शेड में है, ये देखिए ग्रे शेड में है, दूसरा जो है ये हल्का सा ग्रीन शेड में है, तो 2-in-1 नहीं 3-in-1। और ये है चश्मा जिसके अंदर हमारा जाइस का ये लेंस लगेगा, स्मार्ट लाइफ जाइस का ट्रांसपेरेंट लेंस। ये लेंस मैन्युफैक्चर होते समय हम ऐसे के ऐसे कस्टमाइज करने वाले हैं सर लेंस से। ओके ये उसके लिए ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ मैं, आपके चेहरे की आपके फ्रेम की ये ब्लूप्रिंट है। लेंस का सेंटर होता है, वो सेंटर कहाँ मैच होगा, ये आपको सेंटर को मैच होगा बराबर। ओके ओके ये देखो ये लेंस का सेंटर जाएगा, हाँ लेंस का सेंटर यहाँ जाएगा, तो आपको कंफर्ट लेवल और भी अच्छा रहता है। सिंगल विजन इंडिविजुअल प्लास्टिक फ्रेम, ये देखो हाँ लेंस का सेंटर यहाँ मैच होगा प्लस के जगह पे सर, तो आपको कंफर्ट लेवल बिल्कुल सेंटर मिला के, सेंटर मिला के ये सब मेजरमेंट आए हैं एक फोटो के अंदर। ओके ये 10-15 मेजरमेंट है सर, सिर्फ मैंने फोटो लिया, नो ह्यूमन बींग एयर, उसके अंदर सब के सब मेजरमेंट आ गए, ये मेजरमेंट के साथ यहाँ पे रहेगा। सो दोस्तों फाइनली आज आ गई है हमारे हाथ में हमारा कार्ल ज़ीस ऑप्टिक्स का जो पुराना चश्मा लिया था उसको मैंने अपग्रेड किया था, तो उसका लेटेस्ट मॉडल। सो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया है, क्या कुछ यू नो इन्वेस्टमेंट करना ये वर्थ है। अभी जो मैं लगाया हुआ हूँ ये हमारे पास यू नो स्मार्ट लाइफ के ओल्ड ग्लासेस हैं और स्मार्ट लाइफ के इनविजिबल ग्लासेस आज हमारे हाथ में आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे गाइज कि ये इस तरह का थैला आता है और ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है और जो डिलीवरी का टाइमलाइन है ये मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये अप्रॉक्सीमेट 3-4-5 दिन में मुझे मैसेज आ गया था कि आपका ये डिलीवरी के लिए अवेलेबल है, तो आप कब घर पे हैं, तो उस हिसाब से हमने शेड्यूल कर लिया और उसके बाद फिर ये हमारे हाथ में आ गई है। ये है ये सबसे पहले तो ये कंपनी का थैला है, ओ माई गॉड ये है गाइस, ये है इसका डब्बा, भाई साहब इस डब्बे को कहाँ लेके जा सकते हैं, अपन लोग पैकेट में रखने वाले आदमी हैं, हैंडी चीज़ें चाहिए होती है, तो हैंडी नहीं है लेकिन स्टाइल स्टेटमेंट उसमें तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है राइट। तो इसको बाद में देखेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। तो इसके अंदर एक और डब्बा है, ये डब्बा निकालता हूँ और इसमें क्या दिया है, ओ दिस इज सेम जो हमने लास्ट
यू नो 3 साल पहले जो ये वाला चश्मा लिया था स्मार्ट लाइफ लेंसेस, उसमें भी इसी तरह की पैकेजिंग आई थी। इससे ऑल्दो छोटी थी, एक डब्बा था, लेकिन ये वाला बड़ा वाला डब्बा नहीं था। ऑल्दो ये अरमानी का है, इसके कारण से शायद इतना बड़ा डब्बा मिला है, लेकिन ये तो था। अब इसके अंदर मोस्ट ऑफ चीज़ें ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख। सो गाइस, इस बॉक्स को खोलते ही इसमें जैसा वेल नोन है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना जो पावर है आइज का, और ये वारंटी कार्ड। सो ये जेन्युइनिटी का पहचान होता है बेसिकली। ऐसे तो ग्लास के ऊपर जो है सिंबल रहते हैं, सिंबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन दो तरह के सिंबल इसमें भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पावर डिटेल्स आ गए, जो पावर पहले था वही पावर अभी भी है, तो दिस इज गुड साइन फॉर एनी गुड ग्लासेस, राइट। इसके बाद फिर इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है। ओ माई गॉड, इसके अंदर एक कपड़ा दिया है पोंछने के लिए, और इसको ध्यान से देखिएगा, इसको यू नो ये जो बटर पेपर है टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके दिया हुआ है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ कितना एक्स्ट्रा केयर किया जाता है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद ये है गाइज, ये है अपना जो मेजरमेंट हुआ था, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो इस तरह का रैपर दिया, तो दो किस लिए दिया है, राइट का अलग है, लेफ्ट का अलग है, तो दोनों अलग अलग यू नो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो लैब के अंदर टेस्टिंग आपने देखा उसके हिसाब से दोनों ग्लास अलग अलग मैन्युफैक्चर हुए हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड यू नो कस्टमाइजेशन ये होता है इंडिविजुअल के जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे, तो उस हिसाब से ये ग्लास रहा होगा, इसीलिए एक में एल लिखा है दूसरे में राइट लिखा है। तो इसको मैं रखता हूँ साइड, इसके अंदर ग्लासेस होगा, इसका रैपर भी दे दिया है कंपनी ने, विच इज़ ऑल्सो गुड, उसके ऊपर भी रेटिंग दिया हुआ है, तो चाहे तो उसको भी रेफर कर सकते हैं कभी अगर मान लिया बिल वगैरह खो गया तो, राइट। इसके बाद ये एक मिलता है कवर केस इसको रखने के लिए, हाँ ये केस अच्छा है, ये केस अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक होता है, काफ़ी अच्छा है, लग्जरी केस है जीस ऑप्टिक्स का, और इसके अंदर भी एक कपड़ा दिया है, वाओ अमेजिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ नॉट ऑन योर फेस शुड बी इन दिस केस, वाओ अमेजिंग चीज़ें देती है। तो 30 लेंस वाइप्स, तो लेंस वाइप्स, हालांकि मुझे 3 साल हो गए पुराना वाला चश्मा यूज करके, आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यू नो हार्ड स्टेन्स बैठ जाते हैं, तो उसके लिए ये वाइप्स बहुत ही यूजफुल होता है, हैंडी होता है, यूज एंड थ्रो टाइप। इसके बाद दिया है गाइज एक लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन किट, इसके अंदर वही पहले वाले में भी 3-4 कपड़े दिए हैं, जीस के वाइट कलर के कपड़ा है, तो ये भी काफ़ी मस्त है। और इसके साथ एक लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन है जो कि स्प्रे है, तो वो स्प्रे डाल करके और उसके बाद इस वाले कपड़े से वाइप कर देने का। अब इसके बाद देखते हैं आइए कि डब्बे के अंदर क्या है, इतना बड़ा डब्बा जो दिया है, दिखने में तो लाजवाब दिखता है, अलग हट के दिखता है थोड़ा सा। इसका ये इधर भी अरमानी का लोगो लगा हुआ है, इसको खोलते हैं और उसके बाद फिर ये, ओ माई गॉड अमेजिंग। सो ये पोटली क्या दिया है भाई, ये इसमें आप देखेंगे ये एक पोटली दिया हो, इसके ऊपर भी लिखा है क्या, एम्पोरियो अरमानी। इसके बाद आप देखेंगे ये जो पोटली है, पोटली को हटाने के बाद ये देख रहे हैं इसके अंदर मिलता है दो, इसके साथ अटैचमेंट है, एक ब्लैक कलर का है एक रेड कलर का है, इसको भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। और अरे ये ग्लास इसमें आपको दिख रहा है क्या, आई एम कन्फ्यूज्ड कि इसके अंदर ग्लास नहीं दिया है। और यही यू नो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं ये चश्मा खरीदने के लिए दुकान पर था, दिस इज वाई इसको बोलते हैं इनविजिबल ग्लास गाइज। इसके अंदर दिया है यू नो एक ब्लू कलर का, ब्लू एंड ब्लैक का ये ग्लास अटैचमेंट है, इसको निकाल के भी लगाएंगे एक बार, पहले इसके अंदर जगह अनबॉक्सिंग टाइप का एक देख लेता हूँ कि क्या क्या आइटम दिए हैं। बैक साइड में अगर अटैचमेंट देखेंगे तो बैक साइड से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ क्लिप करके चिपकाने का है, ये इसको क्लिप करेंगे चिपक जाएगा। इसी तरह से ये रेड वाला भी देखेंगे, रेड वाला भी सेम पैटर्न पे है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी नहीं दिखना चाहिए, वो भी एक है। एंड नाउ ओ लुक एट दिस गाइस, इसका जो अटैचमेंट है दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ये अच्छा लगता है, कलर चेंज होता है। अभी मैं एक पार्टी में गया था तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा ये कौन सा ग्लास है, कभी ये ब्लू दिखेगा, कभी रेड दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, तो एक काफ़ी अच्छा स्टाइल स्टेटमेंट। और अच्छी बात यह है कि नाइट में भी इसको यूज करने पे दिखता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता है। अब फाइनली इसके बाद एक काम करते हैं, ये जो हमारा पुराना वाला चश्मा है इसको निकालते हैं और लगा के देखते हैं कि ये चश्मा कैसा लगता है। ये काफ़ी लाइट वेट,
यू नो हमारा जो पहले का जो फ्रेम है इस फ्रेम से भी ज़्यादा लाइट वेट है। दोनों कालजीस का ही है, तो जीस ऑप्टिक्स का ही, इसके पहले मैंने क्रिजाल का भी मैं यूज़ किया था, 3-4 साल यूज़ किया था। उसके ऊपर भी हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जा करके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये चश्मा मैंने कब ख़रीदा था। लगभग 3 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था और इसके 3 साल पहले मैंने क्रिजाल को लिया था, तो साइड बाई साइड कंपेयर किया और मुझे लगा कि खास करके अगर आप नाइट में ड्राइविंग करते हैं तो काफ़ी यूजफुल होता है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ये वाले सारे फीचर्स होने ही चाहिए, इसके साथ कुछ और फीचर्स हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये वाला जो फ्रेम है फ्रेम ले लिया, अटैचमेंट टाइप का फ्रेम में देखेंगे रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। अब आप बताएंगे रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन क्यों दिया, क्या इसके साथ? इसके साथ एक लॉजिक है, राइट। इसके बाद देखेंगे ये ग्लास है, मैं अभी अपने घर के एक शादी में गया था, वहाँ पे भी काफ़ी लोग देख रहे थे कि चश्मा कहाँ है, इसके अंदर ग्लास नहीं है, तो पीपल वेर कन्फ्यूज्ड। और वो नेचुरल है, मैंने ही जब देखा था तब भी मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं दिखे तब तक पता नहीं चलता है कि ग्लास लगा हुआ है। इतना क्लियर ये ग्लासेस है, तो इतना प्रिसाइजली बनाया हुआ है गाइस, और ये बहुत ही लाइट वेट है। इसका जो फ्रेम देखेंगे ना, फ्रेम के अंदर नोज पिन भी इसके अंदर नहीं दिया है, तो ये एक एक्स्ट्रा कम्फर्ट देता है। कई बार तो खिलौने टाइप का लगता है, जैसे खिलौने वाला चश्मा आता है कि उठा के इसे डाल लिए कहीं गिर गया, सो दैट ओह माय गॉड दिस इज़ लुकिंग गुड। अब इसके बाद इन दोनों चश्मा को अगर देखा जाए तो दोनों है तो स्मार्ट लाइफ ग्लासेस, ये भी है ये भी है। अब दोनों का ग्लास में आपको देखिए डिफरेंस जो दिखे, ये देखिए एक जो आपको दिख रहा है यह है इनविजिबल ग्लासेस ड्राइव सेफ का स्मार्ट लाइफ, ड्राइव सेफ के ऊपर आता है स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट लाइफ के ऊपर आया है रिसेंटली यह है इनविजिबल ग्लासेस। और ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसमें आपको ग्लास दिख रहा है, ये वाले में ग्लास दिख रहा है, राइट। और ये नीचे वाले में ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेमलेस का ग्लासलेस चश्मा है। अब आप ग्लासलेस चश्मा तो हो नहीं सकता है ना, ये लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल। इस बार जो मैंने चश्मा का साइज लिया था थोड़ा सा बड़ा लिया था, वो इसलिए क्योंकि पहले का जो चश्मा था वो छोटा था और छोटे में आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है, राइट। तो जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि ऑल अराउंड फ्रेम है तो फ्रेम से आपको हर्डल्स नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया कि थोड़ा लुक भी इस बार चेंज हो जाएगा। और इसके बाद मैं देखता हूँ लगा करके इसका अटैचमेंट कि शायद मुझे दिख पाएगा कि नहीं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अटैचमेंट क्लिप टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी सारी कंपनी में आजकल ये आती है। इसके बाद फिर रेड कलर वाला अटैचमेंट ये लगा के देखता हूँ सबसे पहले कि ये कैसा दिखता है। ओह माय गॉड सो दिस इज़ ऑसम, राइट। तो ये इसको अगर मैं घूमता हूँ तो इस पर आप देखेंगे चमक थोड़ा सा अलग हट के आता है, तो दिस इज़ नॉट लाइक एनी ऑर्डिनरी। तो ये अच्छा है, हमें शो ऑफ करने का आदत भी नहीं है, बट ये ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी मुझे उतना ही क्लैरिटी के साथ आगे दिख रहा है जितना इसके बिना था। और इसको चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना है, तो इसको इस तरह से ऐसे खींचेंगे, दैट्स इट, वापस लुक चेंज। इसका जो फ्रेम का जो कलर दिया है ये ब्लू दिया है बिकॉज ये ब्लू से मैच करेगा, और ये रेड दिया है बिकॉज वो रेड से मैच करेगा, और इसको इस तरह से लगा लिए, राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्या इतना पैसा डालना एक चश्मे के लिए वर्थ है, तो मेरा सजेशन होगा डेफिनेटली यस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप बिना चश्मे के अगर नाइट ड्राइविंग करते हैं, होता क्या है कि खास करके राइट आई जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो दाहिने तरफ उनके आँख पे डायरेक्टली सामने वाली गाड़ी का लाइट आता है, और उसके कारण बाय द टाइम 1-6 महीना 1 साल के एक्सपोजर होने के बाद धीरे धीरे पावर कम होता जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से एक आईज में तो चश्मे लगाएंगे नहीं, तो इसके हिसाब से ये चश्मा लगाना यू नो ड्राइव सेफ का काफ़ी वर्थ होता है। अदरवाइज अगर ऐसा लगा होता कि मैं गलत प्रोडक्ट ले लिया फंस गया तो फिर दोबारा क्यों खरीदता। सो गाइज ये था एक इस चश्मा के ऊपर एक हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू और एक इसका अपग्रेडेड वर्जन जो मुझे लगा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे भी ज़्यादा एक और अगले एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।